और अब बात आईएसआईएस संदिग्ध की हिरासत की करेंगे। पुणे हवाई अड्डे से आईएसआईएस के संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। वो सीरिया जाने के लिए दुबई की उड़ान पकड़ने वाला था, तभी सुरक्षा अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया। संदिग्ध युवक की पहचान उत्तरी कर्नाटक के भटकल के रहने वाले रऊफ अहमद के तौर पर हुई है। आईएसआईएस के सदस्यों के साथ इंटरनेट पर चैटिंग के दौरान रऊफ का नाम सामने आया, तभी वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। सुरक्षा अधिकारियों ने रऊफ को एनआईए को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। एनआईए ने पिछले एक साल में 14 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिसके लिंक आईएसआईएस से रहे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है इस संदिग्ध से? देखिए, एनआईए और आईबी की जो टीमें हैं लगातार अब्दुल रऊफ से इससे पूछताछ कर रही हैं, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बात का शक ये जताया जा रहा है कि आईएसआईएस से कुछ जो लोग हैं जो कि भारत में इसका मॉड्यूल है उनसे इसके संबंध थे, और पिछले कई महीनों से जो एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो लगातार इस शख्स को ट्रैक कर रही थी। उसके बाद जब ये बंगलोर से सीधे पुणे एयरपोर्ट पर आया, और यहाँ से जो जानकारी मिल रही है सूत्रों हवाले से कि वो एयर इंडिया के फ्लाइट से जाने की कोशिश कर रहा था दुबई, ऐसे में जब एजेंसीज को शक हुआ और उसके बाद इस शख्स को हिरासत में लेकर के अभी भी पूछताछ चल रही है। अभी हालांकि एजेंसीज की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि इसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। और अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई चीजें इसके विषय में पता चल रही हैं, और ये भी पता चला है कि जो भारत में मॉड्यूल है उसमें कई लोगों से इसके संपर्क थे आईएसआईएस से जुड़े हुए, और खासतौर पर मुदब्बिर शेख का जो इंटरनेट कनेक्शन था उससे भी इसकी बातचीत होती थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए लगातार जानकारी ली जा रही है एनआईए की तरफ से, और कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शख्स बेंगलोर से पुणे का रास्ता क्यों चुना था और यहाँ से विदेश क्यों जाना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर जो आईएसआईएस का मॉड्यूल है उनके लोगों से लगातार संपर्क में था रऊफ, अब उससे पूछताछ की जा रही है। और आईएसआईएस सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे, आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट, दिस इज कोहली वेरी कोहली वेरी कोहली वेरी बी मेंटेन दिस, हां हाय दिस इज कोहली वेरी।